वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, अज असी इन्नी ठंड के बाहर अग क्यों बाल रहे हैं? उधर देखो किन्नी हवा चल रही है, तुम कैमरे से दिखाने उधर न घुमा के किन्ने दरख्त हिल रहे ने। ये वाहिगुरु जी, जो ना असी हवा चलती दे अंदर अग बालते हैं चुल्हे च, तां जिहड़ा धूं है ना उपरों सारा बैक नीचे आ जाता है। फिर जिवें गैस फैन हुंदा है, वह तो रसोई च है नहीं, तो फिर वह सारी रसोई धुएं नाल भर जाती है, फिर प्रसादा तैयार करना बहुत औखा हो जाता है। अज आप बना रहे हैं तो सॉरी अपनी गोभी, गोभी के पावे लसन, लसन गोभी के परौंठे बनावे। तो दीदी लैन चली है गोभी लसन, ताज़ा ताज़ा लियावे तो पावे। ठीक है जी, बहुत आने दो तो है ना। चल 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 धनिया तो है गोभी लसन कद्दूकस कर लेंगे। इधर देखो असी विंडो बंद करी हुई है, शीशे बंद करे हुए विंडो दे, ते फिर भी वह हो रहा है, मतलब कि अंदर हवा विंडो से नहीं आ रही। जड़ी चिमनी रोबे है ना, जो हवा चलती है उपरों नीचे धूं मार दी है, फिर सारी रसोई धूए नाल भर जाती है ना। तो फिर कोई बच्चा रसोई च बड़े कहते ने अखा च धूं पैंदा, इतने बैठ के नहीं सी प्रशादा छकना, हुण बाहर बैठ के छक लैणगे नाल हुंदे बना लेंगे। वाहिगुरु जी, यह कल परसों की ठंड वधी है, पहला तो जानी वधिया धुप निकले आउंदी सी, हुण लगता नहीं अज भी धुप निकलूगी, बाकी फिर दिन च कह नहीं सकते कुछ। ये देखो इस तरह आपां ने सारी कद्दूकस कर लैनी है, इहदे लैके ला लो चंगी तरह दिस जाए। ये देखो ठीक है जी, ये आप इस तरह सारी कर लेंगे, फिर दिखाने वाहिगुरु जी। ये कोई रेह स्प्रे नहीं होया हुआ गोभी च, बिलकुल साफ गोभी है घर की ताजी ताजी। ये गलगला ने, इन्हों का फिर असं अचार बनावे दिन च। ये नहीं पावांगे, फिर ये ना बच्चे घट्टे पसंद करते ने। हुण पाउने आ ना, फिर बहुत सोहनी खुशबू हो जाती है, फिर परौंठा थोड़ा जा स्ट्रोंग जा बन जाता है मसालेदार जा। इन्ना क धनिया पा लांगे, सर्दी च वाहिगुरु जी असं हरा लसन यूज करते हुंने आ, ज्यादा वधिया लगता है।
पसीना आ जाता है। वाहगुरु जी, इधर चाह रखी है बस, हूँ फ्रिजन वाली है, दुध पा देंगे फिर। तो ये अपने गोभी, हरा लहसुन, धनिया, बिच लून मिर्च, थोड़ी हल्दी भी पाई है, तो इधर अग बाल ली। ये देखो बड़ी सोहनी अग बल गई। तो ये जिवें थानू दिखाया सी, बहुत हवा चल रही है, अमरूद नहीं इन्ना हिल रहा। ये देखो दरख्त किन्ना हिल रहा है। ये जिहड़ा अमरूद है ये थोड़ी ओट जी च आ गया, ये घट हिलदा, तां करके असीं इत्थे चुल्हा रखे है। इधर दूजी साइड जिधर अगे रखते हुंदे आ इधर ज़्यादा हवा लग रही सी। तो चलो हुण करदे आ गोभी वाले परौंठे बनाने शुरू। हूँ सारा समान तैयार है, आटा भी साडा ते मिक्सचर भी, जिहड़ा विच आपां स्टफ करांगे परौंठा बनावांगे। ते बच्चियां लई इत्थे चादर भी बिछाती, मम्मी भी आ गए अपनी खिचड़ी लैके। मम्मी नूं पता नहीं ठंड च पेट जी जे ठंड वड़ गई, कहिंदे वी पेट खराब जहा हो रहा है, खिचड़ी भी खाऊं मैं, परौंठे नहीं कहते खा सकते। ठंड हो दो दिन की ज्यादा गई, अच भी पता नहीं दिन धुप निकलूंगी। खरा गुन्नू प्रतीक सिंगल स्पेशल डबल वाहगुरु जी, सिंगल च भी पावे डबल च भी, थोड़ा जिम्मे वधिया लगू तुम उवें पा लियो। ये मूली के परौंठे बिच लसन जरूर पावे, फिर ज्यादा वधिया लगते हैं, फिर मसालेदार जे हो जाते हैं। लसन मसाले का काम करता है, कल्ले लसन के वधिया लगते नहीं, वो बहुत ही तिखे हो जाते हैं। फिर कई बार ना फूड पाइप जलन चीर होने लग जाती जो कल्ले लसन के बनाने असं, फिर तां करके बिच आलू जां जिमें मूली पाई है, आलू पाई है, गोभी कुछ आइटम लै लें होंगे नाल लसन के। अंदर चाह भी तैयार हो गई रसोई च, हूँ ये देखो तुम नेड़े तो दिखाने एक च निकलता, फिर दो च पा लेंगे। बड़ा गर्म हो गया, चाह पा दे। यार चाह पा के लेके मैं लेके आनी हूँ। वाहगुरु जी प्रशादा छका दी उन्होंने भी। वाहगुरु जी जिहड़ा प्रशादा तैयार करिया सी उहदे कर्मां दा सीगा, वो लै गया। कोई गल नहीं, हुण आपां इह सारे बना लैंदे। ये देखो हम डबल च बना रही हैं, पहला सिंगल च बनाया है, हम नेड़े तो दिखाने उत्थे पाई भी है मक्खन,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਚ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚਮਚਾ ਫੜ ਕੇ ਬਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਝ ਬਿੱਲੀ 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 ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਰ ਦਰਜਨ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ प्रतीक ओ प्रतीक आजो एक अल्ला ही अंदर की कर रही है ओ सुंदर प्लेट चक लिया मेरी चक ले ये देखो वाहेगुरु जी कितना सोहना परौंठा बन के तैयार है ले अरे खा के ले जा बैठ जा पीछे चप्पल कट दी जी मैं चाह लेके आनी थानू नाले मम्मी चाह लिया खाओ इन्हें ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਚੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸੋਈ ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ ਚਲੋ ਅੱਗ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੱਪੜੇ ਚਾੜਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਰਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਲੈ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਰੌਂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੀਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।